जय हिंद साथियों, ओआरओपी टू रिवीजन का मामला अब लोकसभा में भी देखने को मिला। राजा मोहन उन्नीनाथन जी द्वारा लोकसभा में चार पॉइंटों पर सवाल उठाए, यानी चार सवाल पूछे गए, चार सवाल जो कि ए बी सी डी ई के रूप में क्या थे। सवाल नंबर वन था, क्या सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 दिसंबर 2022 का ORP 2 लागू कर रही है। नंबर दो, यदि लागू कर रही है तो बताएं, यदि नहीं कर रही है तो रीजन बताएं। नंबर तीन, क्या PCDAP 1 जुलाई 2019 से अभी तक का ORP 2 लागू करने में हुई देरी के लिए पूर्व सैनिकों को मुआवजा दे रही है, यदि दे रही है तो डिटेल में बताएं। नंबर चौथा, क्या सरकार का 1 जुलाई 2014 से लागू ORP से संबंधित रक्षा दिग्गजों की शिकायत को देखने के लिए गठित OMGC यानी वन मेंबर जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव है, यदि है तो बताएं, नहीं है तो रीजन बताएं। यानी चार बड़े महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे, जिसमें कि सवाल नंबर तीन में जो सवाल था कि इसमें क्या जो ORP 2 रिवीजन में जो देरी हुआ है, क्या उसका मुआवजा देने के लिए तैयार है सरकार, और चौथा ये कि OMGC रिपोर्ट जो है उसको क्या सार्वजनिक करेगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ है या क्या हो रहा है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, OMGC रिपोर्ट आगे जाके हम समझते हैं। इन चार सवालों पर सरकार की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी द्वारा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये उन्होंने चारों के जवाब दिए ABCD। ए टू बी में उन्होंने बताया कि 16/3/2022 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन का आदेश था उसका एक्सटेंशन 15 मार्च 2023 तक दे दिया गया है। हमने ORP 1/7/2019 से लागू करने का आदेश दे दिया जो कि MOD लेटर नंबर 4/1/2023 के अंदर दिया गया है। डिटेल इंस्ट्रक्शन पेंशन टेबल के अंदर हरेक रैंक के कैटेगरीज वाइज जो कि हमने 20/1/2023 को पब्लिश कर दिए। सी में उन्होंने बताया कि PCDAP एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और गवर्नमेंट उसको जो भी ऑर्डर और पॉलिसीज देती है वो पेंशनर्स का मैटर देखती है। इस केस में डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स को रिवाइज्ड पेंशन जो कि आर्मर्ड फोर्सेज पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को अंडर ORP के तहत 1/7/2019 से लागू कर दिया गया है। टी और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इसमें आपको समझने की बात है। यहाँ पर हम समझते हैं कि डी और ई में उन्होंने कहा कि प्रेजेंटली नो सर, फाइनल डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वन मेंबर जुडिशियल कमेटी OMGC हैज नॉट येट बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो वन मेंबर जुडिशियल कमेटी थी तो उसको हमने अपने पास अभी तक नहीं लिया है, ये यहाँ पर बताया। और यहाँ पर उन्होंने जो पेंशनर्स का मुआवजा पर पूछा था उस पर भी कोई जवाब देखने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, OMGC रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी है, जरूर अंत वीडियो को देखें ताकि इसमें सारी कुछ आपकी पेंशन क्यों कम हुई, ORP 1 में क्या एनोमलीज थी, फिर वो ORP 2 तक आ गई है उसका रीजन क्या है और OMGC उस पर क्या कार्रवाई कर रही थी, सारा कुछ डिटेल आपको बताते हैं। वन मेंबर जुडिशियल कमेटी कुछ पूर्व सैनिकों द्वारा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सम एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन हैव बीन डिमांडिंग चेंजेस इन मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ पेंशन। यानी कि पूर्व सैनिक पेंशन के निर्धारण के लिए इसमें संशोधन और कार्य प्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे थे। सरकार ने 14 दिसंबर 2015 को, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, टू लुक इन टू एनोमलीज, यानी 14/12/2015 को OMGC गठित कर दी ताकि ORP में जो भी एनोमलीज यानी विसंगतियां हों उनको दूर किया जा सके। तो ये 14/12/2015 यानी 14/12/2015 अंडर जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी टू लुक इनटू एनोमलीज, यानी कि जो भी इसमें विसंगतियां थी ये उनको देखने का काम सौंपा गया। लेकिन बाद में द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 26/10/2016 यानी 26/10/2016 को इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन गवर्नमेंट ने आगे क्या किया कि इस पर एक इंटरनल कमेटी गठित कर दी जिसमें उसमें वित्तीय पहलों के संबंध में यह मामला इस इंटरनल कमेटी के विचाराधीन है, यानी अभी तक मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी। तो ये अभी तक भी उनके पास ही है, सरकार ने बोला इसको हमने अभी तक लिया नहीं अपने पास, ये अंडर कंसीडर में ही अभी तक चल रहा है, ये यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया है पैरा नंबर डी और ई में, जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों, ये ORP 1 से ही एक मामला चल रहा है जबकि उसमें जो भी विसंगतियां थी यानी एनोमलीज थी उसके लिए ही ये OMGC कमेटी गठित की थी जिसका अभी तक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हो सकता है उस टाइम ये कार्रवाई हुई होती, यदि टाइम से ORP 2 रिवीजन में हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता था।
क्योंकि जो कोश्यारी कमेटी थी न्यायालय ने भी इसको माना था कि 2011 में न्यायालय द्वारा संदर्भित सेवानिवृत्त कर्मियों की शिकायतों का सरल शब्दों में अर्थ है कि कोश्यारी समिति की सिफारिश को लागू करें। 2011 में डिफेंस पेंशनर्स की ओआरओपी के अनुदान के लिए प्रार्थना करने वाली याचिका पर कोश्यारी समिति की रिपोर्ट ने ओआरओपी को उन्होंने ये बताया कि ओआरओपी को नौकरशाही उदासीनता का एक विशिष्ट उदाहरण होने के लिए सरकार की अनिच्छा का वर्णन किया गया। रिपोर्ट में सेवानिवृत्त सैनिकों की मांग को जायज पाया और इसे मंजूर किया जाना चाहिए था। कोश्यारी कमेटी ने इसको माना है कि इनका रिवीजन जो है होना चाहिए था समान रैंक समान पेंशन के आधार पर। तो दोस्तों, इस ओआरओपी टू रिवीजन से लगता है कि जहां हम खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। यदि ओएमजीसी पर भारत सरकार द्वारा समय से गौर या लागू किया जाता तो शायद ओआरओपी टू में इतनी एनामलीज या विसंगतियां देखने को नहीं मिलती, जैसा कि आपने हर रैंक के टेबल में देखा और समझा। तो अब भी यदि सरकार इस रिपोर्ट पर गौर करे तो हो सकता है कि ओआरओपी टू टेबल में कुछ सुधार देखने को मिले। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। यदि वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।